85 cows died. Doctors say they had not been fed for quite some time now. मनुष्य भी महत्वपूर्ण है और गाय भी महत्वपूर्ण है. Again, the beef brigade has taken law in its own hands in this country. छोले मसाला कुर जाके रात हैरान करे में सोते मैं ऊपर तरो. उत्तर प्रदेश के किसान गाय को लेकर काफी मुश्किल में हैं. उनकी जान और खेत सब खतरे में हैं. खेत और बागों में बैल और गाय को झुंड मिलना आम बात है, जो खेत की फसल को चर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं. न्यूज क्लिक संवाददाता ने उत्तर प्रदेश के 3 शहरों अलीगढ़, मथुरा और आगरा का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बात कर इस समस्या को समझने की कोशिश की. ये जो काउशेड बनाया है, ये आप लोगों ने अपने पैसे से बनाया है? सरकारी कोई मदद? सरकारी कोई मदद नहीं मिली है सर. कोई मदद नहीं मिली? हाँ, हम लोगों ने किया, भी सरकार ने कुछ नहीं किया, इसमें एक भी पैसा सरकार ने आज तक दिया ही नहीं. गाय के मुद्दे को समझने के लिए हमने 3 दौर में बात की. आप इसका पहला हिस्सा देख रहे हैं, जिसमें अलीगढ़ और मथुरा के किसान इस समस्या को बेहतर ढंग से समझा रहे हैं. ये समस्या जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से ये समस्या बनी है, इससे पहले कि ये ज्यादा समस्या थी नहीं गाय की और सांडों की. काउशेड बनाया है आप लोगों ने, ये कैसे बना है, क्या क्या जरूरत पड़ी इसको बनाने की? जरूरत इसलिए है सर, आपके सामने है, देखो सामने खेत है हमारा ये, और देखो इसमें से गाय सब नुकसान कर रही है चारों तरफ से. सरसों हुआ, गेहूँ हुआ, जो कुछ है चारों तरफ से परेशान कर दी. दूसरी घटना कर दी 2 गाँव में, तो इसलिए प्रधान के द्वारा हमने समर्थन करके इकट्ठा करके पब्लिक को और ये व्यवस्था की है. अगर आपको गाय बेचनी है, जरूरत पड़ गई, तो व्यापारी कोई आपकी गाय नहीं लेगा. चाहे आपकी गाय दे रही है 20 लीटर दूध, क्यों कि गाय ले जाएंगे वन गौ वंश वाले और तुरंत मार देते हैं. वन की गौ रक्षक में गाय ले जा रहा काटने के लिए, मार दिया. गाय का व्यापार भी नष्ट कर दिया. मेरे गाँव में से कोई गाय खरीदने वाला पैदा नहीं है. मेरे घर पर बंधी हुई है गाय, अभी तक कोई व्यापारी उसे लेने के लिए तैयार नहीं है. बोला ले जाएंगे, रास्ते में मार देंगे हमें गौ रक्षक. आतंकवाद फैला रहे हैं गौर अच्छा के नाम पे. महंगाई जो चारे की बन गई है, 300-400 रुपए मन भूसा आ रहा है, कुटी आ रही है जिसको करप बोलते हैं, ज्वार की बाजरा की, तो इस वजह से लोग ज़्यादा छोड़ रहे हैं इस बात को. महंगाई की वजह से गायों को ज़्यादा छोड़ रहे हैं लोग. बच्चों का पालन पोषण तक नहीं हो रहा, अपने बच्चों का जो गृहस्थ चलाने वाला काम है गृहस्थी का, वो अपने बच्चों के लिए पालन पोषण नहीं हो रहा, गायों के लिए कहाँ से कोई व्यवस्था करें. महासचिव जी, DM वगैरह, SSP, ये सब लोग आ चुके हैं, तो ये देख यहाँ पे देख चुके हैं. अब देखो क्या हुआ पता नहीं है. क्या इनसे क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया इन्होंने? इन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया था. ये इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई थी. वो वैसे ही बात, आपको पेंशन मिलती है, आपकी लैट्रीन बन गई, जो ऐसी बात करी थी की थी उन्होंने. गौशाला पे कुछ नहीं कहा? गौशाला पे कुछ नहीं कहा. कोई सरकार की फंडिंग है आपको किसी तरह का? वही सरकार पहले मेरे को नगर निगम से मिलता था, उन्होंने नगर निगम से 2,60,000 रुपए आके उन्होंने भी बंद कर लिया. किसानों का कहना है कि अनुत्पादक गायों को पालना एक बड़ी समस्या बन गया है और वो इसमें सक्षम नहीं है, इसलिए बहुत से किसानों ने ऐसी गायों को बाहर छोड़ दिया है. कुछ ने अस्थायी शेड बनाए हैं. सभी किसानों का कहना है कि सरकार ने आज तक उनकी कोई मदद नहीं की. मुझको मालूम नहीं है सरकारी तरफ से क्या आ रहा है, मतलब फिलहाल प्रधान सुविधा कर रहा है. प्रधान चारा ला रहा है और प्रधानी इन्हें खवा रहा है. 5 महीने से बहुत बड़े दावे ठुके हैं और 5 महीने से अभी तक किसी गौशाला के लिए, पहले खेत एक्वायर किए थे पश्चरबीन, अभी तक नहीं हुए. बनाना शुरू हुआ, अभी तक नहीं हुआ है. और जो हमारी फाइल है, 3 वर्ष की फाइल रुकी पड़ी है, अभी तक कोई फलानी चीज़ नहीं है, कभी फलानी चीज़ नहीं है. सारी चीज़ों में पूरी करते लाते हैं, कोई ना कोई विनय करती है. जो सरकारी दावा है कि हम खोल रहे हैं गौशाला, लैंड एक्वायर कर रहे हैं, हम लोगों से ज़मीन मांग रहे हैं, सरकार ने ये भी दावा किया है कि हम फंड भी दे रहे हैं, देना शुरू कर दिया है, वो ज़मीन पे धरातल पे उसकी कोई सच्चाई है या बस ऐसी ही है कि सब रजिस्टर पे चल रहा है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है. अभी तक कोई फंड नहीं आए हैं और ऐसा कोई पैसा नहीं है कि जिससे गौशाला संचालित की जा सके. मेरी समझ से सब राजनीति हो रही है, ये सब चुनाव को दृष्टिगत रख के गाय के नाम पर राजनीति है. पर डे लमसम 2,500-3,000 के लमसम में खर्चा आता है, क्योंकि इसके लिए
1200 का लमसम चोकर कट्टा आता है, गुड़ भी इनको देते हैं 4 दिन पीछे 5 दिन पीछे, क्योंकि इसके लिए सर्दी है तो इनके जुकाम फुकाम वगैरह ना हो, तो 3000 के लमसम में खर्चा आ जाता है। अभी आदमी लगा रखे हैं यहाँ पर 9000 रुपये महीने के हिसाब से, और एक आदमी और हमने कल परसों से लगा लिया है, क्योंकि ये गाय दिन रोज बढ़ रही हैं। 3 आदमी का 9-27 हज़ार रुपये जो महीने का खर्चा है, ये कहाँ से आएगा? सभी ग्रामवासी देंगे, सरकार नहीं दिया, सर नहीं आया था एक भी पैसा, सरकार ने आज तक दिया ही नहीं। उन्होंने गाय रक्षा प्रतिबंध लगा दिया कि ये कटा नहीं, साँड़ हैं कटे नहीं, गाय हैं कटे नहीं, परंतु तो इस पर ध्यान ये नहीं दिया कि ये किसानों की बर्बादी करेंगे आगे चल के। भाई किसानों की बर्बादी होगी तो किसान तो गरीब आदमी है, पिछड़ा हुआ आदमी है, उसको फसल को ही खा जाएंगी तो क्या करेगा। ये सब चीज़ें बेईमानी है कि किसान के ऊपर डाल दिया कि तुम ही खर्चा चलाओ, और गौशाला के नाम पे गवर्नमेंट ने कह दिया गौशाला, हर ग्राम में गौशाला खुलेंगी, ये ऐसे गौशाला नहीं चल पाएंगी। मुख्य रूप से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छाओं और किसानों की आजीविका का कोई मेल नहीं है, जिससे राज्य में आवारा गायों से निपटने के लिए तनाव बढ़ रहा है और गाय को लेकर निगरानी बढ़ी है। किसानों का कहना है कि सरकार को गाय से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वोट से मतलब है। काम सहयोग देगा जब तक रखेंगे, काम सहयोग बंद कर देगा, सरकार सहयोग बंद कर देगी तो इसको छोड़ दिया जाएगा, फिर और क्या होगा इसका। मेरे गांव में जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उनके दरवाजे पर गाय की एक पूंछ नहीं मिलेगी तुम्हें, और गौ भक्ति का नारा देते हैं ये केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं गाय के नाम पर। और ये जो है ये एक और काम है इनका, अगर कोई आदमी गाय लेके अपने घर भी ले जाए, मैं अपनी रिश्तेदारी में गाय ले के जाऊँ तो मुझे जान से मार देंगे ये, मैं गाय को काटने के लिए ले जा रहा हूँ। इन्होंने इतना भय व्याप्त कर दिया जनता के अंदर, कोई गाय को बेचने के लिए तैयार नहीं, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, कोई इनका उद्देश्य नहीं है इस गवर्नमेंट का, केवल गाय के नाम पर वोट और ये सरकार बनाना चाहते हैं। हमारा पशु आप कहते हैं, इसकी समस्या अचानक क्यों बढ़ गई पिछले दो तीन साल में ऐसे बढ़ गई साहब? पहले तो इनको यूज करते थे, दूध भी बिकता था इनका, सब कुछ होता था, अभी इनका दूध भी नहीं बिकता है और कोई इनको खरीदता भी नहीं है, आगे से भी हथका है, इस पर रोक लगी हुई है। अगर जो प्रतिबंध है उसको हटा लिया जाए तो क्या इस समस्या का समाधान समाधान हो जाएगा? वो तो जैसे पहले तो चल रहा वो ये आपका समाधान और कहा जाओ व्यवस्था करे गवर्नमेंट, क्या क्या है पहले गवर्नमेंट ने कहा व्यवस्था, 2 साल पहले तो जाएगी कोई ऐसी समस्या आती नहीं, कहा कर रही जाओ 2 साल पहले। आप ये कह रहे हैं कि स्लॉटर पे बैन हटना चाहिए, गाय के नाम पे जो गुंडागर्दी करते हैं लोग उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, होना चाहिए, आतंकवाद कर रहे हैं गाय के नाम पे। न्यूज क्लिक टीम एक ऐसे परिवार से मिली जिसके 2 सदस्य एक उग्र सांड की चपेट में आ गए, इनमें से एक 14 साल के दीपू नाम के लड़के की मौत हो गई। बेजान ने सब मां जायरो खेत पे जैसे रेत रे जी सुबह ने टक्कर मार के जट खेत में अगर टक्कर दई गांव गिर दो छाती है सब मई के मई खत्म पायो, मैंने तो गोदम जैसे उठायो काय वो तुम मुझे कुछ पायो ना छोरा हमें मौत। 9 तारीख को दीपू में टक्कर मारियो, मौके पे ही खत्म कर दिया। सीओ महावन आए, एसओ बलदेव आए, एसडीएम महावन आई और नायब तहसीलदार महावन भी आई, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई अभी हमें तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। बाजार चल रहा हूँ मैं, देख गया जट को बा मैं ऊपर रूज पर हूँ, मेरी पांसू टूट रही है मेरी बगल पर, खेरी साइड सूदी साइड की पांसू। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार कैसी मदद कर दे इलाज फलाज की। बीजेपी देख ली, ये तो किसान विरोधी है, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, किसान से इसका पेट नहीं भरेगा, पूंजीपति पेट भरेंगे सरकार का।